सुप्रभात दया के अब हम कबीर की साखी के आधारित पुनरावर्तन के दौरान जो है अभ्यास के प्रश्नों के फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर से उसको जान लेते हैं। विद्यार्थी, इसमें पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तत्वों से सफलता कैसे प्राप्त होती है? कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को सफलता कैसे प्राप्त होती है, इसके अर्थ है। तो आपने पहला दोहा पढ़ा था, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा को, इसी पर आधारित इसके उत्तरों को लिखेंगे। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार नष्ट हो जाता है। अगर आप मीठी वाणी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो आपका मन का अहंकार नष्ट हो जाता है। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है, जिससे हमारे तन को क्या होता है, शीतलता प्रदान करती है, तथा सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति कराती है। अर्थात जो व्यक्ति सुनता है उसको भी सुनने से सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साथी के संदर्भ में स्पष्ट। यहाँ विद्यार्थी दीपक देख्या माने कि दीपक देखने से, दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, उस बात को ध्यान में रख करके इस प्रश्न के उत्तर को लिखना। दीपक दिखाई देने से अंधकार है, मन में विद्यमान, मन के अंदर विद्यमान, मन के अंदर रही हुई अंधकार का मिट जाना, अंधकार का नष्ट हो जाना। जब दीपक का प्रकाश होता है, जब दीपक का प्रकाश फैलता है, तब अहम और अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाते हैं। जब ज्ञान रूपी दीपक जब जलाया जाता है, तो मन के अंदर अहंकार अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाते हैं, अंदर और बाहर चारों ओर प्रकाश व्याप्त हो जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। कब? जब दीपक रूपी ज्ञान आपको प्रकाशित करता है। यहाँ दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है, इस बात को आपको उल्लेखित करना। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसमें कस्तूरी कुंडल वाला आपने उदाहरण देखा, कस्तूरी कुंडल में मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राग है दुनिया देखे ना। इस दोहे के संदर्भ में इस प्रश्न के उत्तर को लिखना, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम अज्ञान से ग्रसित हैं, हम अज्ञानी हैं। इस अज्ञान तथा अहम भाव से वशीभूत होकर, इस अज्ञान और अहम भाव से वशीभूत होने के कारण ही हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। अज्ञान और अहम के भाव से ग्रसित होकर, वशीभूत होकर होने के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। चौथा प्रश्न देखेंगे, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन है, यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट बताइए। विद्यार्थी, संसार में सुखिया संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, इस संदर्भ में इस प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना था। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता, वह पूरी तरह से निश्चिंत होता है, वह सुखी। दुखी व्यक्ति वह है जो कबीर दास के समान है, क्योंकि वह जागते हैं, दुनिया के हाल को देख करके रोते रहते हैं। अर्थात चिंतनशील व्यक्ति ही वह दुखी व्यक्ति माना है। सोना यहाँ अज्ञान का और जागना यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। सोना यहाँ जो है, यहाँ सोना शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जागना जो है ज्ञान का प्रतीक है। सोना अज्ञान का और जागना ज्ञान का प्रतीक है। सोने वाला व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझता है, परंतु वास्तविकता में वह अज्ञानी है। सोने वाला व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, परंतु वह अज्ञानी है। इसके विपरीत
जगा हुआ व्यक्ति या जगा हुआ मनुष्य ईश्वर प्रेम में रत रहता है, ईश्वर के प्रेम में लीन रहता है। वह सांसारिक मनुष्यों की दशा को देखकर व्यथित होता है, दुखी होता है कि इनका उद्धार कैसे होगा। इस प्रश्न को इस प्रकार आपको लिखना है। आगे के जो प्रश्न है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।